तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पार्किजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोज सेक्शन का सेकंड चैप्टर विथ द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के साथ। इसको लिखा है आपके लेखक स्टीफन लीकॉक ने। ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि विथ द फोटोग्राफर चैप्टर किसने लिखा है, उसके ऑथर कौन है, तो उसमें आपको आंसर टिक मारना होगा, स्टीफन लीकॉक। चलिए आज हम लोग इसका हिंदी में डिटेल समरी देखेंगे, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश 50 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन का सारा वीडियो कवर हो चुका है। टोटल आपके इंग्लिश 50 मार्क्स में 7 पोएम है, सातों पोएम कंप्लीट कवर हो चुके हैं। इस चैनल पे आप जाइए और इन पोएम को भी देख लीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। लेखक है स्टीफन लीकॉक है, वो चाहता है कि उसकी तस्वीर खींच ली जाए, इसलिए वो स्टूडियो में जाता है और बोलता है कि आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुजियाज्म। जो फोटोग्राफर है उसमें लेखक को ऐसा लगता है कि उसके अंदर काम के प्रति उत्साह कम है और उत्साह नहीं है। ही वॉज अ थिन मैन इन अ ग्रे सूट विथ द डीम आईज ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो दशा है, जो फोटोग्राफर किस तरह से दिख रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। इसमें आपके लेखक ने बताया है कि वो एक पतला आदमी है और उसने भूरे रंग की सूट पहन रखी है और उसकी धुंधली सी आंखें हैं एक नेचुरल साइंटिस्ट की तरह। तो इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है, कैरेक्टर स्केच दीजिए फोटोग्राफर का। तो उसमें आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी कि एक पतला आदमी है जिसने ग्रे सूट पहन रखा है और उसकी धुंधली आंखें हैं। सिट देयर ही सेड एंड वेट। वहां पे बैठिए और इंतजार कीजिए, ऐसा फोटोग्राफर लेखक को कहता है। आई वेटेड एन आवर। मैंने 1 घंटा करीब वहां पे इंतजार किया और उस इंतजार के दौरान मैंने ये सारी मैगजीन्स पढ़ डाली। लेडीज कंपेनियन फॉर 1912, गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902, इन्फेंट्स जनरल फॉर 1888। उस समय की फेमस मैगजीन्स थी जो कि स्टूडियो में रखा हुआ था, तो उसने यानी कि लेखक ने सारे मैगजीन्स को पढ़ डाला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बेसिक बेसिक पॉइंट्स को कवर किया गया है ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आफ्टर एन आवर द फोटोग्राफर ओपन द इनर डोर, कम इन एंड सिट डाउन। करीब 1 घंटे के बाद जो फोटोग्राफर है वो अपने स्टूडियो के अंदर का दरवाजा खोलता है और मुझे बुलाता है और कहता है कि बैठ जाइए। आई सेट डाउन इन द बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू अ सीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड विंडो। अब यहाँ पे आपका स्टूडियो का दशा दिखाया जा रहा है कि स्टूडियो में लाइटनिंग कंडीशन कैसी थी। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही थी वो सूरज की किरणों से आ रही थी। देखिए बीम ऑफ सनलाइट बोल रहा जा रहा है, सूरज की किरणें कहाँ से आ रही थी? सूरज की किरणें खिड़की के तरफ से आ रही थी और खिड़की में कॉटन का पर्दा लगा हुआ था और पेंस मतलब ग्लास भी लगी हुई थी जिसके आर पार में हम लोग नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रॉस्टेड विंडो इसीलिए यूज किया गया है कि ऐसी खिड़की जिसके आर पार में नहीं देखी जा सकती है, धुंधली टाइप की ग्लास वहाँ पे लगाई हुई है और उसके आगे एक पर्दा लगा हुआ है ताकि जो रोशनी हो वो पूरी नहीं आए, थोड़ी थोड़ी रोशनी आए, इस तरह से फिल्टर होके पूरी रोशनी अंदर आ रही थी। देन ही क्रॉल बैक इन टू द मशीन एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिमसेल्फ। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग। देखिए वो क्या करता है, उसके बाद लेखक को बिठाकर अपनी मशीन की ओर जाता है और मशीन में क्या होता था कि पहले सबसे पहला उसका मशीन मिडिल में रखा हुआ था, मिडिल में रखा हुआ था और उसमें मशीन में काला कपड़ा लगा हुआ था, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो गया, फोटोग्राफर अपनी मशीन के पास गया और उसने अपने ऊपर काला कपड़ा डाल लिया, तो लेखक को लगा कि वो प्रे कर रहा है यानी कि प्रार्थना कर रहा है, फोटो खींचने से पहले प्रे कर रहा है, ऐसा लेखक को लगता है। द फोटोग्राफर केम आउट, ही लुक वेरी ग्रेव एंड शुक हिज हेड, द फेस इज क्वाइट रॉन्ग ही सेड। फिर फोटोग्राफर उस काले कपड़े से बाहर आता है और गंभीर रूप से देखता है और कहता है लेखक को कि आपका जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द फेस इज क्वाइट रॉन्ग, तो यहाँ से देखिए क्या करता है फोटोग्राफर की लेखक के बहुत ज्यादा चेहरे की बुराई करने लगता है, जिसपे लेखक थोड़ा सा भड़क भी जाते हैं। देखिए आगे बोला जा रहा है, इस स्लाइड में आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा कि क्या क्या फोटोग्राफर बुराई बताता है। देखिए आई नो आई आंसर्ड क्वाइटली, मैं जानता हूँ मुझे पता है, लेखक ने कहा मुझे पता है कि मेरा जो चेहरा है वो कितना ज्यादा खराब है। ही साइड एंड सेड। फिर उसके बाद फोटोग्राफर थोड़ा सा सांस लेता है और कहता है आई थिंक द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल।
मुझे लगता है कि अगर आपका चेहरा 3x4 होता, 3/4 होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। आई डोंट लाइक द हेड, और मुझे आपका सर भी पसंद नहीं है। ओपन द माउथ अ लिटिल, फिर एडजस्ट करने लगता है ताकि एक अच्छा फोटोग्राफ वो खींच सके। देखिए, फोटोग्राफर चाहता है कि वो एक अच्छी से अच्छी तस्वीर निकाले, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को ध्यान दिलाता है कि आपका चेहरा खराब है, आपका पोस्चर सही नहीं है, आप थोड़ा सा अपने मुंह को ऊपर कीजिए। ओपन द माउथ अ लिटिल, अपने मुंह को खोलिए। फिर तुरंत वो ऐड करता है कि अब बंद कर लीजिए, मतलब तुरंत खोलने के लिए बोलता है मुंह को और फिर तुरंत बंद करने के लिए बोलता है। फिर कहता है कि आपकी कान जो है वो भी खराब है, उसको भी थोड़ा सा डाउन कीजिए, वो ज़्यादा खड़ा है। और उसके बाद कहता है कि आपकी आंखें जो है वो पलक के अंदर होनी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा अंदर कीजिए और अपने घुटने पे अपने हाथ को रखिए। पुट द हैंड्स ऑन द नी, टर्न द फेस जस्ट लाइक अ लिटिल अपवर्ड, और बोलता है कि अपने चेहरे को थोड़ा सा सामने कीजिए, थोड़ा सा उठाइए और ऐसा लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा सीधे बैठे हैं। एक्सपेंड द लंग्स, अपने फेफड़े को फुलाइए, और बेंड द नेक एंड जस्ट कॉन्ट्रैक्ट द फेस, और थोड़ा सा गर्दन को नीचे कीजिए और अपने फेस को, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना होता है, तो अपने फेस को थोड़ा सा सिकुड़ाइए। और देखिए यहाँ पे ये फिगर जो है, इसमें आपको समझ में आया कि कितनी तरह के फेस हम लोग रोज़ देखा करते हैं। कहीं पे आपको कोई राउंड फेस वाला व्यक्ति मिलेगा, तो कहीं हर्ट फेस वाला, कहीं पे आप स्क्वायर फेस देखेंगे, कहीं रेक्टेंगल फेस देखेंगे, डायमंड शेप, ओवल शेप। इसमें यहाँ पे बात किया गया है 3/4 फुल शेप का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3/4 फुल शेप में हम कह सकते हैं ओवल शेप टाइप का ही कुछ, तो आप लोग ध्यान दीजिए, देखिएगा कि आपका कौन सा शेप है आपके फेस का, और उसके बाद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बोला जा रहा है स्टॉप। इतनी सारी जब बुराइयाँ करने लगता है लेखक की फोटोग्राफर, तो लेखक थोड़ा सा दुखी हो जाता है और फिर कहता है कि रुको। आई सेड विथ इमोशन, लेखक थोड़ा सा भावुक होकर कहता है कि रुको, दिस फेस इज माई फेस, यह जो चेहरा है यह मेरा चेहरा है, एंड आई हैव लिव्ड विथ इट फॉर 40 ईयर्स, और मैं इस चेहरे के साथ ही 40 साल रहा हूँ, 40 साल की जिंदगी मैंने बिताई है, एंड आई नो इट्स फॉल्ट, और मुझे इसकी जो दिक्कतें हैं ये मुझे मालूम है कि इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मुझे मालूम है, तुम मत बताओ। दिस इज़ माई माउथ एंड और ईयर एंड आई हैव लर्न टू लव इट, ये मेरा मुंह है और ये मेरे कान है और मैंने इनसे प्यार करना सीख लिया है 40 सालों में। स्निक, और क्या करता है लेखक कि ये सारी बातें बोलकर और उठने वाला होता है, जैसे पहले बैठा हुआ रहता है, उसको फोटो खींचना होता है तो वहां से खड़ा होकर जाने वाला ही रहता है कि यहाँ पे आपका फोटोग्राफर फोटो क्लिक कर देता है, और फोटो क्लिक करने के बाद फोटोग्राफर को लगता है कि उसने अभी तक की बेस्ट फोटो खींची है, इसलिए वो खुश होता है। देखिए लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ वॉज टेकन, तो फोटोग्राफ जो है वो ले लिया जाता है उठते के साथ ही, जैसे ही वो उठ रहा होता है, और इसलिए फोटोग्राफर को लगता है कि उसने एक नेचुरल फोटो खींची है जो कि वाकई में वो खींची जानी चाहिए थी। लेट मी सी द पिक्चर, अब लेखक बोलता है कि थोड़ा मुझे पिक्चर दिखाओ कैसा तुमने खींचा है। ही सेड देयर इज नथिंग टू सी इट, अभी इसमें देखने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट, आपने देखी होगी पहले नेगेटिव वगैरह भी निकाली जाती थी फोटो की, तो लेखक को बोलता है फोटोग्राफर कि अभी इसमें देखने लायक कुछ नहीं है, पहले मुझे इसकी नेगेटिव तैयार करनी होगी, तो आप क्या करिए कि आप सैटरडे को शनिवार को आइए, मैं आपको फोटोग्राफ दिखा दूंगा। देखिए जब लेखक सैटरडे को पहुंचता है तो क्या होता है, ऑन सैटरडे ही अनफोल्डेड द फोटोग्राफ, सैटरडे को फोटोग्राफर फोटोग्राफ को खोलता है और दोनों चुपचाप देखते रहते हैं। उसके बाद लेखक है वो बोलता है इज इट मी, क्या यह मैं हूँ। आई आस्क, लेखक पूछता है कि इज इट मी, क्या ये मेरा तस्वीर है, क्या ये मैं हूँ। यस ही सेड क्वाइटली, वो शांति से, आज फोटोग्राफर थोड़ा शांति से बिहेव कर रहा था ऐसा लेखक को लग रहा था, तो वो बोलता है शांतिपूर्वक कि यस ही सेड क्वाइटली, द आई डोंट लुक वेरी मच लाइक माई, लेकिन ये जो आँखें हैं ये मेरी तरह से नहीं लग रही है। ओ नो ही आंसर्ड, तो कहता है कि ओह नो, आपका फोटोग्राफर कहता है कि ओह नो आई हैव रीटच्ड देम, मैंने इसको सुधारने की कोशिश की है, फाइन बट माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट, चलो सही है मैंने मान लिया तुमने आँखों को रीटच कर लिया, लेकिन मेरी आईब्रोज, मेरी जो भौवें हैं इसका क्या, ये तो मेरी तरह लगती ही नहीं है। एंड वॉट अबाउट माई माउथ, और मेरे मुँह के बारे में क्या विचार है, ये भी मेरे जैसा नहीं लगता है। क्या हुआ था कि आईब्रो को पूरी उसने रिमूव कर दी थी और एक नया आईब्रो लगाने वाला था,
फोटोशॉप के जरिए ही या फिर उस समय की जो भी टूल होगी उसकी मदद से उसने यानी कि फोटोग्राफर ने पूरी आईब्रो लेखक की रिमूव कर दी थी। और इसलिए पूछता है कि आईब्रो तो मेरी लगती ही नहीं है, और व्हाट अबाउट माई माउथ, और मेरे मुंह के बारे में आपका क्या विचार है, ऐसा लेखक फोटोग्राफर से पूछता है। तो फोटोग्राफर कहता है कि मैंने इसे थोड़ा सा एडजस्ट किया है, वो क्या है कि आपका चेहरा थोड़ा सा डाउन था तो मैंने आपको आपके मुंह को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, वो ज़्यादा ही डाउन लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। द ईयर्स आर जस्ट लाइक माइन, अब जो फोटोग्राफ में ईयर्स थे, दो कान थे जो लेखक के, वो लेखक को पसंद आते हैं क्योंकि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन फिर क्या कहता है फोटोग्राफर, ये देखिए, यस वी हैव द प्रोसेस नाउ फॉर रिमूविंग द ईयर्स इंटायरली, आई विल सी इफ। देखिए जो फोटोग्राफर है वो बोलता है लेखक को, हाँ सही है लेकिन हम लोग इसको पूरी तरह से रिमूव करने वाले हैं और दूसरा ईयर लगाएंगे, देखते हैं अगर ऐसा हो पाता है तो। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लेखक भड़क जाता है, बोलता है लिसन आई केम हियर फॉर ए फोटोग्राफ, देखो मैं यहाँ पे एक तस्वीर के लिए आया था, समथिंग विच लुक लाइक मी, ऐसी तस्वीर जो कि पूरी तरह से मेरी तरह लगे, इसमें कोई भी सुधार वगैरह की जरूरत नहीं थी, तुमने फालतू की अपना समय बर्बाद किया और ये सारी चीजें सुधार की, मुझे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था, एंड माई फेस एज हिवन गेव इट टू मी, और मुझे एक ऐसा चेहरा चाहिए था अपने फोटोग्राफ में जो कि मुझे हिवन से, स्वर्ग से मुझे मिला है भगवान के द्वारा, आई वॉन्टेड समथिंग दैट माई फ्रेंड्स माइट गिव आफ्टर माई डेथ टू रिकनसाइल देम टू माई लॉस, और मैं कुछ ऐसा फोटोग्राफ चाहता था ताकि मेरे मरने के बाद मेरे फोटोग्राफ को मेरे दोस्त रखें और उन्हें ऐसा लगे, वो ऐसा स्वीकार करें कि हाँ उन्होंने कुछ खोया है, तो ऐसा फोटोग्राफ मुझे चाहिए था, लेकिन ये क्या कर दिया तुमने, ये बहुत ही बेकार लग रहा है और मेरी आईब्रोज हटा दी, ये सारी चीजें बोलता है लेखक फोटोग्राफर को। इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन, तो मुझे लगता है कि मैं गलत हो गया हूँ, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था मुझे, गो ऑन देन विथ योर ब्रूटल वर्क, अपनी जो भी अमानवीय काम है उसको जारी रखो, टू मी इट इज बट अ वर्थलेस ट्रिफल, और मेरे लिए एक ये एक तुच्छ वस्तु है, ये कोई फोटोग्राफ नहीं है, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा, आई बर्स्ट इन टू टीयर एंड लेफ्ट। इसके पहले ये कहता है, इस लाइन के पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब जब तुम्हारा ये ब्रूटल वर्क जब खत्म हो जाए, तुम्हारी ये अमानवीय जो काम है वो खत्म हो जाए, तो अपने पास रख लेना, अपने दोस्तों को दिखाना, मुझे ये फोटोग्राफ नहीं चाहिए, आई बर्स्ट इन टू टीयर एंड लेफ्ट। लेखक के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्टूडियो छोड़ देता है, अपनी फोटोग्राफ को नहीं ले जाता है। तो इस तरह से आपका ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक समरी जान लेते हैं इस चैप्टर का। देखिए बेसिकली आपका जो ऑथर है, लेखक है स्टीफन लीकॉक, वो फोटोग्राफ खिंचवाने जाता है वहाँ पे स्टूडियो में, उसको 1 घंटा वेट करना पड़ता है और 1 घंटे के दौरान वो 3 मैगजीन्स पढ़ डालता है, उसके बाद 1 घंटे बाद उसे बुलाया जाता है अंदर स्टूडियो में और बैठाया जाता है, उसके बाद लेखक की बहुत ज़्यादा बुराई की जाती है, फेस की एडजस्ट किया जाता है उसके फेस को, तो उससे लेखक बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने चेयर से उठने वाला होता है, उठकर जाने वाला होता है, तभी उसकी फ़ोटो खींच ली जाती है और उसको सैटरडे को बुलाया जाता है कि आप आइए और अपना फोटोग्राफ सैटरडे को शनिवार को लेकर जाइए। सैटरडे को वो जब पहुँचता है तो उसके फोटोग्राफ में लेखक को बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है, क्योंकि लेखक को नेचुरल फ़ोटो चाहिए था जो कि उसे गॉड ने गिफ्ट किया है, जो कि भगवान ने उसे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फोटोग्राफर उस फोटो को रीटच करता है, उनकी आंखों को, आईब्रो को हटा देता है, माउथ को थोड़ा सा ऊपर उठा देता है और उनका जो कान है उसको भी हटाने की, पूरी तरह से हटाने की फिराक में रहता है। तो इसके कारण लेखक बहुत उदास होते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी, मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए थी जो कि मेरे दोस्त रखें और मेरे मरने के बाद उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है, एक ऐसी तस्वीर मुझे चाहिए थी लेकिन मैं गलत था, मैं गलत जगह आ गया हूँ, तुम जो अपना काम है वो जारी रखो, रीटचिंग करो, जो करना है मेरे फोटोग्राफ के साथ करो, और जब वो कंप्लीट हो जाए तो अपने अपने दोस्तों के लिए ये फोटोग्राफ रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। और उसके बाद लेखक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो स्टूडियो छोड़कर चला जाता है। तो ये थी बेसिक समरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी अभी 12th क्लास में गए हैं या फिर 11th क्लास में हैं, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके। और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को नीचे लाल कलर की बटन पर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी लोग खुश रहें, थैंक यू, धन्यवाद, आप अभी तक बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।
और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में।